dear students, I am your teacher, Raja Tahir, teacher, Government UPS Valram Azur Mawar. And this is class 6th and the subject is science. And the topic is sorting materials into groups. And as we have introduced the topic yesterday, we discussed it a little bit about this topic. And we discussed some important points regarding this topic. And today we will see the properties of materials. तो कल हमने इन ग्रुप्स देखें कि हमने किस के बहुत सारे बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में रखते हैं तो आज हम इनकी जो प्रॉपर्टीज देखेंगे सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी सी सो मेनी थिंग्स अराउंड अस तो हम काफ़ी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं अपने घर में देखते हैं सम आर मेड ऑफ प्लास्टिक सम आर मेड ऑफ स्टील सम आर मेड ऑफ लेदर सम आर मेड ऑफ वुड सम आर मेड ऑफ आयरन सम आर मेड ऑफ कॉपर सम आर मेड ऑफ this aluminium some are made of gold and some of made of like jewelry and this silver and some of made some are made of this paper and some are made of this polythene plastic etc and some of things are made up of cloth this cotton cloth wool etc yeah, like clothes so there are so many things and different things have different properties हर चीज़ की एक अपनी अपनी properties होती है तो हम इसमें काफ़ी properties होती है इन things में तो जैसे हम काफ़ी चीज़ें जब जमा करेंगे तब हम इनको जब observe करेंगे तो इनमें आपको अलग अलग properties नज़र आएंगे तो जैसे हम appearance पे पहले जाएंगे कि appearance दिखने में चीज़ें पहले different लगती है जैसे कि अगर हम लकड़ी को देखेंगे ये हमें जिस iron यानी कि लोहे से different नज़र आएंगी या हम copper को देखेंगे वो हमें aluminium से different नज़र आएगी और जो at the same time if और जब जो जो लेदर है ये आपको क्लोथ से थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा प्लास्टिक से डिफरेंट नज़र आएगा तो एट द सेम टाइम तो कुछ इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं चीज़ों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी है अपीयरेंस में दिखने में किसी और बाकी चीज़ों में तो अगर हम इस चीज़ों को देखेंगे बारीकी बीनी से तो हमें ये अपीयरेंस में भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं दिखने में ये अलग अलग हमें लगेंगे अब हम अगर ये चीज़ें हम काटेंगे सपोज हम पहले देखेंगे लस्ट्रस अगर हम अपीयरेंस दिखने में अगर देखेंगे कुछ चीज़ें हमें लस्ट्रस दिखाएंगे यानी कि हमें चमकीले दिखाएंगे अगर गोल्ड हम देखेंगे ये हमें चमकीला दिखेगा इसके मुकाबले में वुड आपको ज़्यादा चमकीला नज़र नहीं आएगा या जो आयरन है वो भी आपको उतना चमकीला नहीं नज़र आएगा जितना आपको स्टील या जिस कॉपर नज़र आएगा तो ये इनकी अपीयरेंस है यानी कि जिनका आउटलुक है तो ये इनमें भी वैरायटीज़ हैं इनमें भी डिससिमिलरिटीज़ आपस में हैं कुछ चीज़ें आपको चमकीली दिखेंगी कुछ चीज़ें आपको डल यानी कि जिनकी जो जो चमकीलापन है वो काफ़ी कम होता है उनमें तो वो उनको वो ये तो हो गया उनकी अपीयरेंस दिखने में कुछ चीज़ें कैसी होती हैं तो देन द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल इज हार्डनेस तो हार्डनेस यानी कि सख्त चीज़ें कैसी सख्त यानी कि दर्द यानी कि डिफरेंट चीज़ें चीज़ों की डिफरेंट हार्डनेस होती है जैसे आपको लकड़ी काफ़ी हार्ड दिखेगी एंड जो आयरन है वो दिखने में आपको बिल्कुल हार्ड लगेगा या आपके पास ये कॉपर का कोई चीज़ है वो भी आपको हार्ड दिखेगा इसके मुकाबले आपका आपके पीस ऑफ क्लोथ आपका आपके पास वो थोड़ा दिखने में नरम होगा सॉफ्ट होगा या आपके पास अगर ये चाक होगा वो भी थोड़ा जल्दी टूटेगा ये या ये कैंडल होगा शमा जो आपके पास है वो भी आपको थोड़ा नरम दिखेगा या वो पिघल जल्दी पिघल दे पिघलेगा तो इन या आपको अगर कुछ कोई और प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इनमें जो हार्डनेस है आधों में कम हार्डनेस है आधों में ज़्यादा हार्डनेस है या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं जैसे अगर आपके पास पीस ऑफ क्लोथ एक बड़ी कमल है इसको हम तो कंप्रेस कर सकते हैं दबा कर रख सकते हैं
एक छोटा बना के प्रेशर की वजह से करते, लेकिन एज कम्पेयर अगर इसके बाद बदले आपके पास लोहे का कोई चीज़ है उसको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकेंगे, या कोई वो लकड़ी की कोई चीज़ है उसको भी आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, या कोई एलुमिनियम की या जिस स्टील की कोई चीज़ हो या कॉपर की कोई चीज़ हो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, या अगर शमा का कोई चीज़ कैंडल हो उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, तो या कोई क्लोथ होगा तो उसको भी हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। या अगर हम ऐसे देखेंगे कि आप किसी चीज़ को हम स्क्रैच करेंगे, जैसे आप शमा को स्क्रैच करेंगे कैंडल को, तो आसानी से आप स्क्रैच कर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप आयरन के ऊपर स्क्रैच मारना चाहते हैं तो वो आसानी से उस पर कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, या कॉपर पे कोई स्क्रैच आसानी से नहीं लग, क्योंकि वो एक कंपेरेटिवली उनसे बिल्कुल हार्ड है। तो ये हो गए, ये तो एक और प्रॉपर्टी होगी हार्डनेस मटेरियल्स की, एक और प्रॉपर्टी है वो हार्ड होते हैं, या तो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होंगे। सो मटेरियल्स इधर कुड बी हार्ड और सॉफ्ट, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की। या एक और प्रॉपर्टी अब हमने अंडरस्टैंड की, दैट इज सम मटेरियल्स आर लस्टर एंड सम आर डल, कुछ चमकीले होते हैं और कुछ डल होते हैं जिनकी जो चमकीलापन काफ़ी कम होता है, और सम मटेरियल्स आर रफ, दिखने में आपको काफ़ी रफ लगेंगे, और सम आर वेरी स्मूथ, कुछ आपको बिल्कुल स्मूथ लगेंगे। तो ये भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस, ये प्रॉपर्टीज़ आपको अपीयरेंस में दिखेंगी, तो एक तो लस्ट्रस आपको अपीयरेंस में दिखेगी कुछ, या हार्डनेस है या रफनेस है या स्मूथनेस है, ये तो हो गए अपीयरेंस, दिखने में चीज़ें कैसी लगती है। तो इसके बाद सम प्रॉपर्टीज आप मटेरियल्स आर सॉलिबल और इनसॉलिबल, देर आर सम मटेरियल्स विच आर सॉलिबल इन वाटर और देर आर सम मटेरियल विच आर इनसॉलिबल इन वाटर, जो पानी में आपको बिल्कुल हल हो जाएंगे उनको हम सॉलिबल्स कहते हैं, और जो ना हल हो जाएंगे उन्हें हम इनसॉलिबल कहते हैं। तो इनकी बुनियाद पे भी हम मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे आपके की नेल्स हैं उनके या आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं, वो अगर आप वाटर में डालेंगे तो वो सॉलिबल नहीं हो जाएंगे, या आप जिस कॉपर के छोटे छोटे पीसेस अगर आप पानी में डालेंगे वो भी सॉलिबल नहीं होंगे, तो या स्टोन के जो छोटे छोटे कंकर वगैरह आप थोड़ा डालेंगे जिस पानी में वो भी सॉलिबल नहीं हो, जो उसमें हाल नहीं होंगे। एज कम्पेयर टू डैट अगर आप जिस शुगर खांड अगर आप पानी में डालेंगे तो वो बिल्कुल उसमें घुल मिल जाएगा, या अगर आप सॉल्ट पानी में डालेंगे वो भी घुल मिल हो जाएगा, या अगर आप चाक का पाउडर, चाक जो हम जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसे हम अगर पीस कर इसमें डालेंगे जिस पानी में वो भी हल हो जाएगा, या अगर इवन कि आप पूरा चाक ही इसमें पानी में डालेंगे तो कुछ देर के बाद वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो जाएगा, या अगर हम इसके बाद सेंड या डालेंगे पानी में वो डिजॉल्व नहीं होगा, या सार डस्ट होता है जो हम जो लकड़ी चीरते हैं उससे वो जो डस्ट निकलता है वो भी उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। तो इसमें इससे हम के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सम जिस सम मटेरियल्स और सॉलिबल इन वाटर एंड सम आर नॉट, कुछ मटेरियल जो पानी में सॉलिबल जो उसमें हल हो जाएंगे उन्हें हम सॉलिबल्स कहते हैं, और जो इनमें नहीं हल होंगे तो इन्हें हम इनसॉलिबल्स कहते हैं, जो बिल्कुल बाद में हम वो जब हम जो नमक या सॉल्ट इसमें डालेंगे कॉमन सॉल्ट पानी में तो इसको हिलाएंगे तो वो पूरा गायब हो जाएगा, वो फिर आपको नहीं दिखेगा इसमें, तो इसका मतलब वो उसमें सॉलिबल है, उसमें जो उसमें डिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पे एक टेबल है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, तो एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ, यहाँ पे एक साइड से हम सब्सटेंसेस लिखेंगे तो दूसरी साइड से हम डिसअपीयर्स इन वाटर डज नॉट डिसअपीयर, तो हम देखेंगे जैसे हम यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट जब हम पानी में डालेंगे तो आगे हम लिखेंगे डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, ये जब पानी में हम सॉल्ट डालते हैं ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं, दैट मीन्स इट कम्प्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर। तो इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा लिखा है शुगर, शुगर जब हम पानी में देखेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाता है पानी में। तो इसके बाद सेंड यानी कि यथ सेख होना चाहिए रेत,
ये अगर हम ये पानी में डालेंगे तो डज नॉट डिसअपीयर, ये बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगी बल्कि ये नीचे जमा रहेगी क्योंकि ये इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसके बाद है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर अगर हम पानी में डालेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, तो वो भी ये डिसअपीयर हो जाएगा वाटर के साथ, सॉल्युबल हो जाएगा। तो और इसके बाद है सॉडस्ट, यानी कि जो बूरा होता है, जो लकड़ी जब हम चीरते हैं आरी से तो जो हम वहां पर डस्ट निकलता है उसको हम सॉ डस्ट कहते हैं। अगर वो भी हम पानी में डालेंगे तो वो भी डिसअपीयर नहीं हो जाएगा बिकॉज दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये टेबल आप खुद करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन शुगर बिल्कुल कम्प्लीटली डिजॉल्व वाटर में हो जाए, तो इसमें इस वाले शुगर के सामने हम लिखेंगे डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, सैंड के आगे हम लिखेंगे डज नॉट डिसअपीयर, चॉक पाउडर के आगे लिखेंगे डिसअपीयर कम्प्लीटली इन वाटर, तो सॉडस्ट के आगे हम लिखेंगे डज नॉट डिसअपीयर इन वाटर। तो ये आप फिर अपने कॉपी पे लिखेंगे। तो इससे हमें पता चला कि सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन दे डज नॉट डिसअपीयर इन वाटर। तो ये भी एक ऑप्शन, आप इसमें कुछ और ये जो चीज़ें मैटर्स ऐड कर सकते हैं जिन इसी तरह इस टेबल को आप आगे और बनाएंगे और यहाँ से आगे आप इसको देखेंगे कि कौन कौन ये इसमें डिजॉल्व होता है और कौन डिजॉल्व नहीं होता है। तो आई थिंक अब इसके आगे जो अब एक और चीज़ है कि अब कुछ लिक्विड्स सम लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे आप वेनेगर है, जैसे वेनेगर मतलब जो सिरका हम इस्तेमाल घर में करते हैं, यानी कि उस गंडा अचार बनाने खातर सिरका इस्तेमाल करें, जो वाज कर इस्तेमाल या घर तीस बनावा तो सू यू सर्क इस्तेमाल सू अगर इस आपस में त्रो पे चमचे सत हिलो सू डिसअपीयर सू गायब ग दैट मीन्स इट कम्प्लीटली डिसअपीयर्स इन वाटर विच मीन्स इट डिजॉल्वस इन वाटर, इसका मतलब ये हो गया कि ये पानी में पूरा डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस यानी कि लिंब से रस काड़ा सो अगर आपस में त्रो यह आराम सान डिजॉल्व ग डिसअपीयर ग इट मीन इट फुली डिजॉल्व इन वाटर। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल मतलब है खाने का तेल, जो हम तेल खाते हैं यानी कि जन खेन तेल वन एडिबल ऑयल सो अगर आबस में त्रो सू कम्प्लीटली डिजॉल्व ग आबस में कें तुम वो आबस में अगर खेन तेल त्रो सू पे लेर तह बन सू तथ में डिजॉल्व ग इट मीन मस्टर्ड ऑयल डिड नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, यह आबस सिक्स ग असल पे कें। इथे कन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल गो खोपर तेल खोपर तेल दैट आल्सो डिड नॉट फुली डिजॉल्व इन वाटर, वो भी इस पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है। तो अगर खोपर तेल आबस में त्रो पत् करो इस चमचे से रलो सू पे लास्ट पे खोतमत तह हिश बन तम तेल विच मीनस दैट डज नॉट मिक्स विद वाटर, वो भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर में मिक्स नहीं होता है। इट दैन इज कैरोसिन यानी कि दिस मिट्टी का तेल यानी कि मेज तेल मेज तेल तो अगर आबस में त्रा तो यह पूर पा डिजॉल्व अत मा कि आबस रलो मेज तेल मतलब अगर मेज तेल दह लीटर आसो पांच लीटर त्रोस आब तो यह रल यह पूर पा रल कह मेज तेल यह थोड़ा हूर रोजान आब रोजान बोन कुन तो टेबल तो बनाऊन इथे कन कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कम लिक्विड्स इन वाटर कि अगर तुम हूँ अत टेबल बे एड कर बन बी चीज अमचा गसा कि ना मिसाल यथ कन लेखन विनेगर अत लेखन डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, तो उस लेमन जूस अत लेखो डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर मिक्स वेल, तो उस मस्टर्ड ऑयल अत लेखो डज नॉट मिक्स विद वाटर does not disappear completely in water, to coconut oil at lako it does not disappears completely in water, it can kerosene oil at lako it does not disappear completely in water, ya it can butter
بٹر اگر أسۍ ترٛاوو یہِ تہِ چھُنہٕ کَمپٕلیٖٹلی ڈِسایپِیَر گژھان، ٹوٹَل چھُنہٕ یہِ غٲب گژھان آب اَتھ آبَس منٛز کینٛہہ. تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ بَنٲیِو تُہۍ بیٛاکھ ٹیبٕل اَکھ، تہٕ اَتھ بیس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ یِم ہَسا یِم گرُپٕس گرُپِنٛگ کَران کَمَن یِمَن میٹٲرٕس، کیونکہِ أسۍ چھِ یُس أسۍ ٹاپِک پَران چھِ دیٹ اِز سافٹِنٛگ میٹیٖریَلٕز اِن ٹُو گرُپٕس، میٹیٖریَل کَرٕنۍ گرُپِنٛگ کَرٕنۍ میٹیٖریَل، سُہ یِم گرُپ کَرو أسۍ یِمنٕے بیسَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَران میٹیٖریَلَن گرُپِنٛگ، یا أسۍ چھِ وٕچھان اَمیُک اٮ۪پیرَنٕس فِزِکَل اٮ۪پیرَنٕس کیٛاہ چھِ، یا أسۍ وٕچھان اَمِچ ہاڈنٮ۪س کیٛاہ چھِ، یا پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان اَمِکۍ سافٹنٮ۪س کیٛاہ چھِ، پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ اَمِچ ڈِزابِلِٹی کیٛاہ چھِ یا سالِبِلِٹی کیٛاہ چھِ اَمِچ، یِم چھا آب کینٛہہ آبَس منٛز حل گژھان نہ چھِ اگر اَتھ پیٖس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ یِم میٹیٖریَلٕز یُس گرُپَن منٛز کَران. تہٕ اَمہِ علاوٕ تہِ چھِ کینٛہہ بیٚیہِ یِم فیکٹٕس کینٛہہ یِم کَریکٹرِسٹِک فیٖچٲرٕز یِمَن میٹیٖریَلَن ہٕنٛدۍ، یِم یَتھ بیسَس پٮ۪ٹھ أسۍ یِمَن یِمَن چیٖز أسۍ گرُپَن منٛز تقسیٖم کَران چھِ. تہٕ أسۍ پَرو اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن یَتھ منٛز کَنڈَکٹِوِٹی چھِ یِوان، یا یِتھَے کٔنۍ چھُ اِنسُلیٹَر چھِ، سیمی کَنڈَکٹَر چھِ، باقٕے چھِ وغیرہ، تِم تہِ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن. تہٕ مگر گۄڈٕ گژھِ تۄہہِ یہِ تھوڑا یہِ اَمیُک یُس یہِ بیسِک یُس یہِ کانسیپٹ گژھِ تۄہہِ اَمیُک تھوڑا گۄڈٕ اَنڈَرسٕٹینٛڈ گژھُن، تہٕ پَتہٕ وٕچھو أسۍ تِم تھوڑا یہِ ڈیٖپلی تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ پَتہٕ تِمَن ڈِسکَس. تہٕ فِلحال وٕچھ اَسہِ کینٛہہ کہِ أسۍ وٕچھ اَسہِ اَکھ چھِ أسۍ وٕچھ اَسہِ فِلحال آز یِم أسۍ یِم چیٖز چھِ یِم کٔرۍ اَسہِ گرُپ، یِم چھِ ہٮ۪کان أسۍ اٮ۪پیرَنٕس کہِ بیسَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕچھان یِم کِتھ چھِ، وٕچھنَس منٛز کِتھ چھِ یِم، بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ یِمَن ہاڈنٮ۪س، یِم وٕچھ اَسہِ یِم پرٛاپَرٹیٖز یِم چیٖزَن ہٕنٛز کیٛاہ کیٛاہ پرٛاپَرٹی چھِ، گۄڈٕ وٕچھ یِمَن اَکھ اٮ۪پیرَنٕس کیٛاہ چھِ یِمَن آسان، آوُٹ لُک کیٛاہ چھِ یِمَن، پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یِمَن ہاڈنٮ۪س کیٛاہ چھِ، کِتھ ہاڈ چھا سافٹ چھا، تہٕ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یِمَن سالِبِلٹی یِہٕنٛز، یِم چھا آبَس منٛز چھا حل گژھان کِنہٕ نہ چھا گژھان. اچھا پَتہٕ وٕچھ اَسہِ اَمہِ علاوٕ چھِ کینٛہہ گیسِز چھِ یِم کہِ زَن آبَس منٛز سالِبٕل چھِ، سَم گیسِز آر آلسو سالِبٕل اِن واٹَر، کینٛہہ گیسِز چھِ یِم آبَس منٛز سالِبٕل گژھان چھِ، فار ایٚگزامپٕل آکسیٖجَن یُس کہِ زَن آبَس منٛز ڈِزالوٕڈ چھُ، یِتھ کٔنۍ أسۍ کیوں چھُ آب آکسیٖجَن آبُک فارمُلا چھُ، یُس کیمِکَل فارمُلا آبُک چھُ دیٹ اِز H2O، یعنی کہِ زَن ہایڈروجَن تہٕ آکسیٖجَن چھُ پانہٕ ؤنۍ رَلٲیِتھ، گوٚو یہِ چھُ ڈِزالو آبَس منٛز گٔژھِتھ. تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ، یہِ گژھِ آسُن تہِ اَتھ منٛز ڈِزالو، تِکیٛازِ یہِ چھُ ویری مَچ اِمپاٹَنٛٹ کِمَن خٲطرٕ یِم ایٚکویٹِک لایف چھِ اَتھ آبَس منٛز، سَمنٛدرَن منٛز یا یِمَن واٹَر باڈیٖزَن منٛز یِم اینِمٕلٕز چھِ یا پٕلانٛٹٕس چھِ، تہٕ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یُس یہِ ڈِزالوٕڈ واٹَر یُس اَتھ آبہٕ یُس آکسیٖجَن اَتھ آبَس سۭتۍ چھُ، تہٕ یہِ چھِ تِم یوٗٹِلایز کَران تہٕ تِہِنٛزِ سٔروایوَل خٲطرٕ، تِہِنٛز لایف سَسٹین خٲطرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ یہِ ضٔروٗری. تہٕ کینٛہہ گیس چھِنہٕ آبَس منٛز ڈِزالو گژھان کینٛہہ. آی تھِنٛک دِس اِز آل فار ٹُڈے، اینٛڈ ٹُمارو وی وِل ڈِسکَس with the another topic, a subtopic regarding this chapter. And till then, it is goodbye from me with the advice that use masks if you need to go outside your homes in any sort of emergency, and wash your hands with Dettol or this Lifebuoy. And if you don't have these Dettol and Lifebuoy, you can wash your hands with the common soaps. Aap apne jo ghar mein jo aam soap aap istemal karte hain, saabun, usse bhi aap haath saaf kar sakte hain. Zaruri nahi ki Dettol aur Lifebuoy hi aapke paas ho. To iske alawa aapke if you have hand sanitizers, you can use it. To avoid social gatherings, keep social distance, and which will help you to avoid contamination of this deadly coronavirus, and which will help you to remain safe along with your family members. Tomorrow we will meet again. Until then, it's goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.